राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप लोगों का ही चैनल है किसान योद्धा। तो किसान भाइयों, आज आया हूँ मैं एक मकान पे और देख सकते हैं कितना तगड़ा मकान है इनका, और ये ईश्वर पाल जी का मकान है। तो चलते हैं इसके अंदर और एक बार देख लो मकान चारों तरफ से। और ये ईश्वर पाल जी हैं जो जा रहे हैं, देख लो ये जा रहे हैं बाइक पे, कुछ काम था इनको, ये बाहर जा रहा है थोड़ा सा। तो देख लो किसान भाइयों, इनका मकान है और बहुत तगड़ा मकान है। किसान भाइयों, मैं परिचय करा देता हूँ अंकल जी से। अंकल जी राम राम। अंकल जी आपका परिचय दीजिए अभी। आपका शुभ नाम जी? ईश्वरपाल। अच्छा, ईश्वरपाल नाम। और आपके पिताजी का जी? अमीन सिंह। अच्छा अच्छा। और ये भाई का मैंने परिचय करा दिया था, भाई आपका नाम बता दे एक बार। गोलू भाटी। अच्छा गोलू भाटी। और आपके पिताजी का नाम? अशोक कुमार। अच्छा अच्छा। और एक अंकल जी यहाँ पे बैठे हैं। अंकल जी आपका नाम जी? मैनपाल। अच्छा। और आपके पिताजी का नाम? अच्छा अच्छा। देखो किसान भाई हो, ये चीनी का ही। अच्छा, गन्ना समिति के डायरेक्टर है, मतलब कहाँ पे जी? 2009 से 2015। अच्छा, मतलब रहे हो समिति के डायरेक्टर? हाँ, फादर हमारे 22 साल प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, यहाँ के प्रधान? हाँ। तो किसान भाइयों, बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। ये मकान है, मतलब इस तरीके से आपने कहा था कि भाई ऐसे सब मकान बनेंगे यहाँ, ऐसे ऐसे कमरे बनेंगे, तो मतलब ये मतलब ऐसे ही बनवाया था, मतलब अंदाज से? हाँ जी, अपने। अच्छा अच्छा। जो मिस्त्री था कहाँ का था, काम करने वाला? अच्छा, रहमपुर का था। देखो किसान भाइयों, ये नहीं कहीं मकान है और मैंने आपको दिखा दिया सारा मकान कर करके, और ये बहुत ही अच्छा मकान बना रखा है इन्होंने, तो देख सकते हैं भाइयों। और मतलब गांव में बहुत ही बढ़िया, मतलब पहले प्रधान भी बता रहे कि प्रधान ही रहे हैं। तो प्रधान जी मतलब कौन रहे थे, मतलब आपके पिताजी? 22 साल। अच्छा, 22 साल प्रधान रहे हुए। देखो किसान भाइयों, बहुत बड़ी बात होती है, 22 साल प्रधानी करी है इनके पिताजी ने, और ये गांव के प्रधान रहे हैं झुंझुनी के। और देख सकते हैं भाइयों, और इनका ही मैंने दिखा दिया आपको, ये इनके कमरे वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ठाट है इनके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये अंकल जी बैठे, तो ये मतलब ये मतलब आपके भैया है, मतलब? हाँ भाई। अच्छा अच्छा। देखो इनके भाई है, और ये मैंने परिचय करा दिया अंकल जी से। भाइयों, मैं आ चुका हूँ इनके मकान के अंदर, तो ये भाई खड़ा है, मैं परिचय करा देता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू भाटी। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी का नाम क्या है भाई? अशोक कुमार। अच्छा। और दादाजी का नाम? किशोर पाल। अच्छा अच्छा। तो भाई, ये मकान जो आपका है, ये आपका मतलब आपने नक्शे से बनवाया था, मतलब? नहीं, अपने दिमाग से। अच्छा, मतलब मिस्त्री से कहा था कि भाई ऐसे ऐसे कमरे बनेंगे, ऊपर ऐसे बनाना है। देखो भाइयों, बहुत ही बढ़िया मकान बना रखा। और ये आपकी मम्मी है? अच्छा, दादी जी। राम राम जी। अम्मा जी, क्या नाम है जी आपका? शिमला। अच्छा, शिमला। कौन से गांव की है अम्मा जी? रामनगर। अच्छा, रामनगर की है। और देखो किसान भाई, कुत्ता भी पाल रखा है इन्होंने, पिटबुल का। अगर चिपड़ का भाई ठोड़े मार, अगर खोल देता है। हाँ जी भैया। कहाँ से लिया था भाई? अभी लाए थे सर। वैसे कहते तो ना होगा किसी को कुछ? यो ना करा है। अच्छा, करे जो भाई भी तो जाने ऐसे हो। अच्छा 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 अच्छा। अकेले आते तो फिर करता, अकेले कुछ बट छोड़ मार देगा। तो देखो किसान भाई, बहुत तगड़ी नजर है। और मतलब जो देसी कुत्ता अगर बढ़ गया तो खत्म ही कर देगा देसी कुत्ता। ये बहुत तगड़ा है देसी, तो बाहर जाके देख के हमारे रुकते बिना से देख के खत्म ही कर देगा देसी। क्या नाम है इसका? काजू। राजू। काजू। काजू। अच्छा, पिलिया ना ये? हाँ जी, पिलिया। अच्छा, तो देखो किसान भाई, ये पिटबुल की पिलिया है। और भाई इसका पिल्ला दिया मुझे, पिल्ला ले लो भाई। अच्छा अच्छा। तो देखो भाइयों, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा भैया के, पशु दिखा दो पहले। भैया पशु दिखा दीजिए अपने। तो देखो भैया ना, पेड़ वगैरह भी लगा रखे हैं, और ये इनका मकान है, बहुत ही अच्छा मकान है। तो यहाँ पे कृषि यंत्र भी रखे हुए हैं भैया के मकान पे, और अमरूद के पेड़, मतलब ठाट ही बहुत बढ़िया है भैया के, देख सकते हैं। ट्रॉली वगैरह खड़ी है, और ट्रैक्टर भी है भैया के पास में। भैया कौन सा ट्रैक्टर है? 500 महिंद्रा 500 DI। हाँ। देख सकते हैं, पशु है इनके। अच्छा, भैंस वगैरह दूध दे रही भैया? हाँ, ये भैंस दूध दे रही भैया। देखो भाई किसान भाइयों, ये इनकी गाय हैं, और ये इधर भैंस वगैरह है, और इधर इन्होंने भूस वगैरह भर रखा है दुकड़ी में, वो देख सकते हैं। और थोड़ा सा ट्रैक्टर में भैया स्टार्ट करके दिखाइए। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर का थोड़ा सा हिसाब दिखा दूंगा पहले आपको। और ट्रैक्टर क्या बिल्कुल ऑफ है, तो एक किस्म की नू समझो, 575 माह है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसान भाई हो, तो टायर देख लो एक बार, मतलब वो क्या कर रहा ना, जिसे क्या कर रहा है, बिल्कुल खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल दमदार चीज है, वही वो चीज है महिंद्रा 575 DI।
खेत में चला दिया तो भाई मतलब पत्ते से फाड़ दिया है। 572 देखो टायर कितने बाहर है मरघाटो से। अच्छा, देखो किसान भैया बहुत अच्छी बता रहा है। और ट्रैक्टर बिल्कुल दमदार है चीज है, जैसे दमदार कह रहा है ना, और आवाज भी इसकी दमदार ही है। तो मैंने स्टार्ट करके दिखा दिया और देख लो किसान भाइयों, ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे और दमदार है बिल्कुल। और इधर इनका मतलब चारा वगैरह काटने की मशीन है। और ये भैया का ट्रैक्टर है, तो भैया कद लिया था ट्रैक्टर यो? 2018 में नया। देखो नया लाए थे भैया बता रहे हैं। और बिल्कुल पत्ते से फाड़ दिया अगर खेत में चला दिया बिल्कुल बड़े ट्रैक्टर। और इनका मकान है तो मैं कमरे दिखाऊंगा आपको इसके, तो चलते हैं भैया के साथ में। तो ऊपर तो भाई आपने कितने कमरे बना रखे होंगे इसमें? चार कमरे हैं। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों चलते हैं ऊपर। यहाँ पर माजी बैठी है हमारी और गाड़ी भी ले रखी भैया ने। और ये गाड़ी तो बिल्कुल गांव के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, अल्टो देख लो बढ़िया। तो भैया ये गाड़ी आपने सेकंड हैंड ली थी या नहीं ली थी? ये तो सेकंड ले ली है। अच्छा अच्छा, ये कितने की पड़ गई थी? ये 1.5 लाख की है। अच्छा, तो देखो कितनी चली हुई होगी? 24,000 चली है। देखो किसान भाई ये बढ़िया ही है। ये कहाँ चली वैसे मतलब? ये रामनगर से। अच्छा अच्छा, नई सी लग रही बिल्कुल देखने में तो। हाँ जी अभी तो। हाँ, किसी ने जिससे ले होगी उसने ज्यादा चलाई ना होगी। तो भाइयों चलते हैं इनके ऊपर कमरों में और देख लो बहुत ही बढ़िया ठाट है इनके। ऊपर जी नजारा है, पूरा गांव देख सके आप सभी। और यहाँ से देख सकते हो आप सभी, ये भैया के मकान पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे ये गैलरी टाइप का कुछ बना रखा है। और थोड़ा सा देख लो यहाँ पे सिलाई मशीन रखी हुई है। अच्छा, मम्मी जी वगैरह कपड़े वगैरह सीती होगी। तो इधर ये देख लो यहाँ से ये गैलरी है। और यहाँ से आप पूरा गांव देख सकते हैं। ऊपर भी बनना भी? अच्छा ऊपर भी है? ऊपर ही बनना भी। ऊपर क्या है? ऊपर। अच्छा चलो, तो किसान भाई ऊपर ही चलते हैं, आपको ऊपर ही दिखाते हैं। तो ऊपर लेके चलते हैं भैया। अच्छा ऊपर ये क्या बैठक वगैरह बना रखी क्या चीज़? तो किसान भाइयों मैं दिखा देता हूँ आपको। और भैया ने मतलब लेटने के लिए बना रखी। अच्छा इसे खोल दो पर गांव दिख जाए सारा। तो यो यहाँ पे मतलब गर्मी वगैरह लौटने के लिए है। वो देख सकते हो आप सभी, पूरा गांव देख लो। बहुत बड़ा गांव है, गांव गया तो शहर जैसा लग रहा है बिल्कुल, जैसे शहरों में घर बने हुए हैं ना। तो भाइयों बहुत ही तगड़ा मकान लगा मुझे इनका। और किसान भाइयों वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अपने भाई का मकान कैसा लगा आपका वो भी बता देना। राम राम किसान भाइयों, राम राम जी।